कक्षा सात अंग्रेजी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को लेसन टू द मिसिंग विसिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोई भी सीटी है, चलिए देखते हैं। ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसमें देखते हैं जरा इसमें क्या क्या है। सो सबसे पहले आता है विसिल। विसिल मीन्स सीटी है, ये आपको दिखाया हुआ है। पाइल मीन्स ढेर होता है। नॉक मीन्स फटफटाना, मतलब फटफटा दिया गया। रैबिट मीन्स खरगोश है। और स्क्रैम मीन्स स्क्रैम्बिंग, मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है उसके लिए स्क्रैम्बिंग बोलते हैं। थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना है। और ग्रम्बल है, ग्रम्बल मीन्स खींचते हुए शिकायत करना, ये ग्रम्बल खींचते हुए शिकायत करना। मैच मीन्स क्या है, गंदगी या अव्यवस्था। पेस्ट मीन्स क्या है, लाया। बाउल, बाउल मीन्स कटोरा या कटोरी। वेट, वाइट मीन्स क्या होता है, काटा। हाइड मीन्स क्या है, छुपाना। और लाफ है, लाफ में हंसना है। पोएम पर चलते हैं। आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। ये पिगलेट जो है ये सुअर का बच्चा होता है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये सुअर का बच्चा है, इसको पिगलेट को मैं अधिकतर पिगलेट ही बोलूंगा। और ये रैबिट है, रैबिट खरगोश है, खरगोश के, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। सो आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। लंच के बाद जो है पिगलेट जो है किसके पास गया, खरगोश के पास गया। और खरगोश के बाहर दरवाजे पर खड़ा है और बोलना चालू करता है, कम इन। तो दरवाजे को सुन करके रैबिट बोलता है, अंदर आ जाओ, रैबिट कॉल्ड। पिगलेट ट्राइड टू गो इन, पिगलेट जो है कोशिश करता है अंदर जाने की, बट ही कुडंट ओपन द डोर, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाता है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये दरवाजा नहीं खोल पाता है, खोलने की कोशिश करता है ये। पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड, पिगलेट क्या करता है, दरवाजे को धक्का देना चालू करता है, धक्का देता है और धक्का देता है। एट लास्ट द डोर ओपन, लेकिन लास्ट में क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। एंड ही फेल इनसाइड, और वो अंदर की तरफ गिर पड़ता है। व्हाट अ मेस, कितनी गंदगी फैला रखी है, ही सैड, कहता है, लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देख करके ऐसा बोलता है। रैबिट वाज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉस, रैबिट जो है यानी खरगोश जो है वो कुछ ढूंढ रहा होता है अपने ड्रॉस वगैरह में खोल करके। आई हैव लॉस्ट माई विसिल, मैंने जो है अपनी सीटी खो दी है। ही टोल्ड पिगलेट, उसने पिगलेट से कहा, आई हैड इट दिस, मेरे पास थी पहले मॉर्निंग, बट सुबह आई कांट फाइंड इट नाउ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, नहीं पता कहां है। आई विल हेल्प यू लुक फॉर इट, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा देखने के लिए कहां है, ढूंढने में, सेड पिगलेट, पिगलेट ने कहा। सो पिगलेट लुक्ड अंडर द टेबल, इसलिए जो है पिगलेट क्या करता है, नीचे टेबल के नीचे देखना शुरू कर देता है। एंड और अंडर द स्टूल, और नीचे स्टूल के नीचे भी देखता है। वाइल द रैबिट सर्च, लेकिन जो है रैबिट यानी खरगोश कहाँ सर्च करता है, थ्रू द कपबोर्ड्स, कपबोर्ड्स वगैरह में सबको खर्चा, जहां कप प्लेट रखे वहां पर सर्च करना चालू कर देता है, खोजना चालू करता है। ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, भाई मैंने तो कहीं नहीं पाया इसको, खूब ढूंढा हूं। ग्रम्बल्स रैबिट, और ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। वेन ही टर्न अराउंड द अराउंड ही कुडंट फाइंड पिगलेट आइदर, वो जैसे ही घूम करके चारों ओर देखता है तो वो पिगलेट पिगलेट उसको नहीं मिलता है, अचानक बेचारा कहाँ चला गया। तो डू यू नो वेयर पिगलेट इट्स, आप जानते हो कहाँ पिगलेट गया होगा। वेयर आर यू, कहाँ हो तुम भाई, पिगलेट को बोलता है, ही आस्क्ड, खरगोश ने पूछा। आई एम हियर, अब पिगलेट बेचारा अंदर से बोल रहा है, सैड पिगलेट, पिगलेट ने कहा। स्क्रैम्बल आउट ऑफ पाइल ऑफ थिंग्स, वो एक ढेर के नीचे से उठता है। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, रैबिट उसके ऊपर कुछ फेंकता है। आई डिडंट फाइंड एंड द विसिल, मुझे कोई विसिल नहीं मिली, ही सैड, उसने कहा। वी डिड बेटर टीडी अप नाउ एंड हैव सम टी, अब हम लोग थक गए हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं चाय पी लेते हैं, सैड रैबिट, खरगोश ने कहा। He picked everything up and put them in cupboard, even piglet. सभी लोग मिलकर के, पिगलेट और दोनों मिलकर के सब चीज को उठा उठा करके रखना चालू कर देते हैं। रैबिट पिच्ड अ बाउल, रैबिट जो है वो एक जो कटोरा उसको खींचता है, पोहा, पोहा है, ही डिड मेड, ये जो है पोहा बनाया था, उसने ही बनाया था। That smells nice, इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है भाई, said piglet, piglet ने कहा। Climbing out of the cupboard, अब जो उसको उठा करके cupboard से बाहर ले आते हैं।
रैबिट वाज ईटिंग द पोहा, और रैबिट जो है पोहे को खाना शुरू करता है। व्हेन ही बाइट ऑन समथिंग हार्ड, लेकिन जैसे वो खाता है कुछ कठोर सी चीज पड़ती है उसके मुंह में। माय विसिल, ये मेरी विसिल है, सीटी है, ही क्राइड, वो चिल्लाता है। इट वाज हाइडिंग इन द पोहा, वो जो है पोहे में पूरे समय तक घिरी रही, यानी कि पोहा ऑल द टाइम, ये पोहे के अंदर पूरे समय तक छुपी रही। लाफ पिगलेट, और जो पिगलेट है वो हंसना शुरू कर देता, हंस दिया। तो ये थी आपकी इसकी स्टोरी। अब इस पर थोड़े से हार्ड वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड मीनिंग क्या है, देखो पिगलेट है, पिगलेट का मतलब अ यंग पिग, एक छोटा बच्चा है उसका, सुअर का है। मैस, मैस मीन्स क्या है, थिंग्स स्पेल ऑल अराउंड मेकिंग द प्लेस अनटाइडी, सामान जब बिखरा रहता है इधर उधर उसके लिए, चारों ओर प्लेस को गंदा कर देता है उसके लिए। ग्रम्बल, ग्रम्बल क्या है, कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट करनी होती है। स्क्रम्बल क्या होता है, कमिंग आउट विद डिफिकल्टी, यानी कि अंदर से बाहर बड़ी मुश्किल से निकल के। पाइल मीन्स ढेर होता है, प्लेस वन ऑन टॉप अनदर, दैट इज अ पाइल ऑफ बुक्स, जैसे कि ढेर है किताबों का। टाइडी अप, टाइडी मीन्स क्लीन करना, अरेंज नीटली, इसको साफ करना बिल्कुल। पैच, पैच मीन्स वॉट, लाना होता है। कैरी, क्राई, क्राई मीन्स अ लाउड शाउटेड, यानी खूब तेजी से चिल्लाना होता है। चलिए क्वेश्चनों पे आ जाते हैं जरा। क्वेश्चन वन है, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो ये फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन पिगलेट कुड नॉट ओपन द डोर, ही पिगलेट जब दरवाजा नहीं खोल पाता है तो क्या करता है, देखो तो क्या करता है वो, जब नहीं खोल पाता है, नॉक द डोर, डोर को खटखटाता है, नहीं पुश द डोर, पुश करता है बेचारा, ये इसको पुश करता है। तो बी है, किक द डोर और वेंट बैक, ये सब नहीं है, केवल बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो आप लोग निशान लगा लेंगे और उसको लिख लेंगे। सेकेंड है आपका, पिगलेट वेंट टू सी द रैबिट, पिगलेट जाता है और किसको देखता है, खरगोश को देखता है। कब देखता है, बिफोर द लंच, लंच से पहले, बिफोर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले, आफ्टर द लंच और आफ्टर डिनर। तो ये आफ्टर द लंच है, ये इसको सही कर लेंगे आप लोग, इसको लिख लेंगे, आफ्टर द लंच है इसमें करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ये है थर्ड क्वेश्चन, रैबिट लॉस्ट हिज विसिल, खरगोश ने अपने सीटी खो दी है, कहाँ खो दी है, इन द मॉर्निंग बच्चों, ये है लास्ट वाला ऑप्शन, इन द मॉर्निंग, एट नून भी नहीं है, इन द इवनिंग भी नहीं है, एट नाइट भी नहीं है, मॉर्निंग में सुबह सुबह ही खो दी थी उसने। तो ये आपको ऑप्शन लिखना है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू है, विच लाइन इन द लेसन टेल यू द पिगलेट वाज लॉस्ट इन द पाइल ऑफ थिंग्स, कौन सी लाइनें बताती हैं वो बतानी है हमें। आंसर है इसका, द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन टेल अस दैट पिगलेट वॉज लॉस्ट इन द पाइल ऑफ थिंग, ये लाइने जो है इसकी बताती है हमें कि पिगलेट जो है ढेर के अंदर छिप गया था। बोलता क्या है, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, सैड पिगलेट, पिगलेट ने कहा, स्क्रम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल, और वो ढेर के नीचे से निकल के आता है, ऑफ द थिंग, जो वस्तु पड़ गई थी, रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, जो रैबिट ने उसके ऊपर फेंकी थी। तो पाठ की निम्न पंक्तियां हमें बताती है कि पिगलेट चीजों के ढेर में खो गया था, मैं यहाँ हूँ, पिगलेट ने कहा, उन चीजों के ढेर से रेंग कर बाहर आते हुए जो खरगोश ने उस पर फेंकी थी। तो ये इसका आंसर है, हिंदी में भी जानना जरूरी है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और दिया हुआ है, हु डिड व्हाट पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स एंड अगेंस्ट द एक्शन, एक्शन किसने कहा है वो बताना है, और कौन से नंबर में ठीक ऑर्डर में लिखना है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के अनुसार ये पहले नंबर पे है, ये है कम टू रैबिट्स हाउस, ये पहले नंबर पे है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, और ये किसने कहा था, ये पिगलेट ने कहा था, पहले वाला रैबिट है, बाद वाला पिगलेट है। चलो फिर से देख लेते हैं, पहले वाला कौन है, पहले वाला रैबिट है और बाद वाला पिगलेट, तो वहां पिगलेट ने कहा था। तो सबसे पहले हम इसी पे देखते हैं, नंबर दो पे चलते हैं, ये है आपका नंबर दो वाला, नंबर फोर, पुश द डोर ओपन, इसने ओपन डोर कर, लेकिन किसने किया था, ये पिगलेट ने किया था। तो यहाँ पे आपका टिक करा हुआ है, तो ये टिक भी करना है आपको साथ साथ। अब आता है नंबर थ्री पे, देखते हैं कौन सा नंबर थ्री पे है, ये है आपका सेकंड वाला, सैड ही हैड लॉस्ट हिज विसिल, उसने कहा कि इसकी सीटी खो गई है, ये तीसरे नंबर पे है, और किसने कहा था, ये रैबिट ने कहा था। तो रैबिट के आगे ये टिक करा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आता है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर पे आ जाओ, ये सिक्स नंबर है, सैड दैट ही वुड हेल्प टू लुक फॉर इट, उसने कहा कि वो उसकी सहायता कर सकता है उसको खोजने में। तो ये आपका फोर्थ नंबर पे है, और किसने कहा था, ये पिगलेट ने कहा था, तो ये पिगलेट का है। अब आ जाए नंबर पांच, नंबर पांच में सातवां दिया है,
सर्च अंडर द टेबल एंड द अंडर द स्टूल, यानी कि ये शब्द कहाँ ढूंढ रहे थे, मेज के नीचे और स्टूल के नीचे ढूंढ रहे थे। अभी किसने कहा था ये, पिगलेट ने कहा था ये। नाउ इसके बाद है फिफ्थ हो गया, अब आता है सिक्स नंबर, सिक्स नंबर है ये थर्ड वाला, सर्च थ्रू द ड्रॉर्स, ड्रॉर्स के अंदर सर्च करो उसको देखो, तो ये किसने कहा था, ये रैबिट ने कहा था ये। तो इस तरह से सबको देखना है। अब आता है सेवन नंबर पे, सेवन नंबर पे ये है फिफ्थ वाला, ग्रैम्बल दैट ही कुड नॉट फाइंड द विशल, और उसे ही सीधे उधर करते हैं और वो खुद सिटी को नहीं पाते हैं, तो ये किसने कहा था ये सारा, ये रैबिट ने कहा था। चलिए इसके बाद देखते हैं एट्थ नंबर कहाँ है, एट्थ नंबर सबसे ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला है, स्क्रम्बल आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स, यानी कि जो ढेर था उसके अंदर से निकल के आओ, तो कौन ये बोल रहा है, ये पिगलेट के लिए कहा गया। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर नाइन, नंबर नाइन जो है नाइन पर ही है, तो पिक्ड एवरीथिंग अप एंड पुट देम इन द, कहाँ इन द, ये है इन द कपबोर्ड, ये किसने कहा था, ये पिगलेट ने कहा था, और ये नाइन नंबर पे है आपका। अब चलते हैं टेन नंबर पे, देखते हैं जरा टेन नंबर पे कौन आ रहा है, टेन नंबर पे आता है ये एट्थ वाला, सेड द पोहा स्मेल्ट नाइस, ने कहा पोहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही पोहे से, नाइस खुशबू है, तो ये किसने कहा था, ये पिगलेट ने कहा था, पिगलेट बोलता है इसको। इसके बाद आता है इलेवंथ नंबर पे, इलेवंथ नंबर पे देखते हैं जरा क्या आ रहा है, ये आपका इलेवंथ नंबर पे ये लास्ट वाला है, फाउंड द विसेल इन द पोहा, पोहे के अंदर से विसेल मिली, किससे मिली, ये रैबिट के लिए, रैबिट के लिए। इसके बाद जो है नंबर 12 नंबर पे आ रहा, सेड दैट द विसेल वाज हिडन इन द पोहा, ने कहा कि जो हमारी सिटी है वो पोहे के अंदर छिपी हुई थी, किसने कहा ये पिगलेट ने कहा। इस तरह से बच्चों ये पूरा का पूरा जो है आपका टेबल बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो इस तरह से आप लोग सारे टिक कर लेंगे हर एक चीज को। चलते हैं आगे, ये है वोकैबुलरी है ये, और ये क्या है, टू वर्ड्स आर गिवन, पुट अ टिक मार्क इन द स्पेस प्रोवाइडेड इफ द वर्ड्स रिम्स विद ईच अदर, क्रॉस मार्क इफ दे डोंट, एग्जांपल दिया है नाइट एंड काइट, ये सही है आपका, तो यहाँ सही बन दिया है। इसके बाद आता है फर्स्ट नंबर पे कराई है, तो कराई का ड्राई है, ये भी सही है आपका। इसके बाद सेकंड है ये है ग्रम्बल, ग्रम्बल का है स्क्रम्बल, ये भी आपका सही है। थर्ड है लंच, लंच का ये बंच है, ये गलत है आपका। इसके बाद आता है फोर्थ है फेच है, फेच का कैच है, ये सही है आपका। इसके बाद फिफ्थ है मैस, मैस का गैस है, ये भी सही है आपका। और नंबर सिक्स है फाइल का फेल, फेल जो है आपका ये रॉन्ग है, तो ये गलत हो गया। इस तरह से आप लोगों का ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे, जैसा भी लग रहा हो आप लोगों को, मैं और अच्छा बना के कोशिश करूंगा देने के लिए। कमेंट्स के आधार पर ही मैं आगे की वीडियो बना पाता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और उन्हें लाभ पहुंच सके। और मेरे बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।